अरे आइए आइए आइए, बहुत बढ़िया मौके पे आए हैं। अब है हम सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहे थे। आई लव डूइंग दिस। और मैं हर भाषा की टोन में ऐसे कर सकती हूँ, गुजराती, साउथ इंडियन, बंगाली। ओके, तो आज हम एक शॉर्ट सक्सेस स्टोरी सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इस सक्सेस स्टोरी को पढ़ा, ये मेरी फेवरेट्स की लिस्ट में ऐड हो गई, क्योंकि ये एक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ब्यूटीफुली समझाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जो फॉलो करते हैं, उनमें दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें अपनी शक्ति से सब कुछ अट्रैक्ट करना अच्छा लगता है, और दूसरे वो जिन्हें थोड़े से एक्शन लेना पसंद है अपनी विश के लिए। तो मैं सेकेंड कैटेगरी में आती हूँ। जब मैं अपनी विश के लिए कुछ एक्शन लेती हूँ ना, फिजिकली, मेंटली, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं डबल ताकत से उस विश को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, और एक कॉन्फिडेंस आता है अंदर। ये कहानी है रेबेका की। रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस लड़के के घर में शिफ्ट हो गई थी। तो इनका जो पुराना घर था, उस घर को अब उन्हें कुछ तो करना था, राइट? तो वो सोच रही थी कि उन्हें उस घर को बेचना है, लेकिन तभी उनके पास टेनेंट आ गए, यानी भाड़े से रहने वाले लोग आ गए। तो उसने कुछ टाइम के लिए भाड़े से अपना घर दे दिया। फिर वो जब चले गए घर छोड़ के, भाड़े वाले लोग, क्या कहते हैं इसे, रेंटर्स, टेनेंट्स, मतलब हिंदी में कोई डिसेंट शब्द नहीं है क्या भाड़े के अलावा? तो जब वो लोग चले गए, तो इसने अभी ठान लिया, रेबेका ने, कि चलो अब हमारे घर को हम सेल करते हैं, और उससे जो भी पैसे आएंगे वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर प्लान्स में। तो रेबेका को द सीक्रेट पता था, और वो बहुत श्योर थी कि चलो मैं इजीली अपना घर सेल कर दूंगी। और उसने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि मेरा घर बिक चुका है। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन उनका घर बिका ही नहीं। अभी वो थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो गई थी कि क्यों नहीं बिक रहा है, मतलब मैं क्या रॉन्ग कर रही हूँ। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी हमारी कोई विश पूरी नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स हमें विश नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं गलत पढ़ रहे हैं अपनी विश को मांगने में। तो रेबेका द सीक्रेट की वेबसाइट पर गई, ताकि उन्हें कुछ तो मिले, कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। वहाँ पे लिखा गया था कि एक्शन लेने होते हैं। तब रेबेका के माइंड में क्लिक हुआ कि ओ, मैं एक्शंस ही नहीं ले रही थी अपने विश के लिए। पता है, जब से वो रेंट वाले लोग घर छोड़ के चले गए थे, वो घर पे गई ही नहीं थी, घर ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था। तो वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रही थी, और वो अपनी विश के लिए रेडी नहीं थी। यानी कोई नया ग्राहक जब उस घर को खरीदेगा, तो वो घर भी रेडी नहीं था। यहाँ हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि जब आप अपनी विश के लिए रेडी रहते हो ना, तभी वो विश आप तक आए तो बहुत अच्छा होता है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल लास्ट में दूंगी। तो रेबेका अब ये समझते ही वो तुरंत अपने घर चली गई। उसने पूरा घर अच्छे से क्लीन किया, साफ किया, और उस घर को रेडी किया बिकने के लिए। पहले इट वॉज नॉट रेडी, ठीक है? और ये सब करने के बाद उसने द सीक्रेट पे और भी सारे पॉइंट्स पढ़े थे, वो सब पॉइंट्स उसने यूज करना स्टार्ट किए। जैसे कि वो घर के हर एक कमरे में बैठकर थैंक यू बोलने लगी कि उस घर ने, उस कमरे ने उसे इतनी सारी यादें दी हैं। पहले उसे वो घर बोझ लगने लगा था कि क्या करूं इस घर का, मैं बिक ही नहीं रहा है, बिक ही नहीं रहा है, कब बिकेगा पता नहीं, एक बर्डन बन गया है। अगर बिक जाए तो उस पैसे से मैं कुछ तो करूंगी। तो ऐसा घर से रिलेटेड एक बर्डन, एक बोझ वाली फीलिंग उसने कनेक्ट कर ली थी। तो वो फीलिंग ही और बढ़ते जा रही थी। जो भी फीलिंग हमारे मन में हम रखते हैं, वैसी ही फीलिंग्स, वैसी ही सिचुएशन और आने लगती है, ठीक है? इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो घर रेबेका के लिए बर्डन था, वो बर्डन ही बना रहा जब तक उसने रियलाइज नहीं किया कि ओ, मुझे अच्छी फीलिंग कनेक्ट करनी है घर के साथ। उसने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, पूरे घर को इतना प्यार दिया, इतना प्यार से हर वॉल को, घर को, घर के बारे में सोचा कि पूरे घर की वाइब्रेशंस हाई हो गई, और अच्छी फीलिंग उस घर के साथ जुड़ गई। नाउ द हाउस वॉज परफेक्टली रेडी फॉर सेलिंग। दूसरी एक चीज जो रेबेका हमेशा करती थी, वो ये थी कि वो घर की जो चाबियां हैं वो हाथ में लेती और ऐसे सामने रख देती, और वो इमेजिन करती कि वो जो न्यू बायर आने वाला है ना उनका घर खरीदने, उनको ही वो चाबी सौंप रही है, ऐसे वो समझती। और वो बोलती थैंक यू फॉर द सेल, यानी इस सौदे के लिए थैंक यू सो मच। जैसे ही उसने स्टार्ट किया, 2-3 हफ्तों के अंदर इतने सारे लोग उसका घर खरीदने के लिए आने लगे, कॉल करने लगे। जबकि जो मार्केट था ना, वो बहुत लो चल रहा था, यानी कोई भी घर नहीं खरीद रहे थे, किसी के घर नहीं बिक रहे थे, लेकिन रेबेका के पास भीड़ लगी थी लोगों की। और फाइनली उसने एक बहुत अच्छे प्राइस पे उस घर को बेच दिया, और जो भी पैसे थे उसे अपने फ्यूचर के लिए यूज कर लिए।
रेबेका कहती है कि उसने अपना बेबी और अपना और एक नया बड़ा बंगला, ये भी उसने मैनिफेस्ट किया है इसी सारी चीजों को यूज करके। तो ना मैं जो कह रही थी कि मैं जो कह रही थी कि रेडी नहीं होते हैं हम अपनी विश के लिए। इट्स लाइक अगर मैं किसी गेस्ट को बुलाना चाहती हूँ अपने घर पे और मेरे पूरा घर बिखरा हुआ है, मैं अपने पजामे में बैठी हुई हूँ, बिना नहाए बिना ब्रश के मैं रेडी नहीं हूँ, ऐसे टाइम पे अगर गेस्ट घर में आ जाए क्योंकि हमने तो बुलाया है उनको, क्या वो सही होगा? पूरी सिचुएशन ही गलत हो जाएगी, राइट? तो अगर मैं अपने आप को रेडी करूंगी, घर को रेडी करूंगी, उनके लिए खाना रेडी करूंगी, तब वो राइट मोमेंट होगा गेस्ट को आने के लिए। उसी तरीके से जब भी हम कोई विश मांगते हैं ना, तो हम ये थोड़ा सा डीप टॉपिक है ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, कि हम मेंटली एंड फिजिकली रेडी नहीं होते हैं उस विश को पाने के लिए। ये हमें पता नहीं होता बट हम रेडी नहीं होते हैं, इसीलिए वो विश डिले होते जाती है। तो आपको अपने आप को एग्जामिन करना है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं कम्प्लीटली हर तरीके से इसके लिए रेडी हूँ। इसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था लास्ट टाइम, लेकिन अब मैं इस बार दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है? और ये बस एक एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है। मान लो कि मुझे 10 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है? अब 10 मिलियन सब्सक्राइबर अगर अभी आ गए ना, तो मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ मेंटली, क्योंकि इतने से कमेंट्स में ही मेरे को ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, मैं कितना कुछ कर रही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है दूसरी चीज़ें करने के लिए, मुझे ऐसा फील होता है। तो अगर 10 मिलियन आ गए, लाखों कमेंट्स आ रहे हैं, लाखों लोग नेगेटिव भी बोलने लगेंगे, फिर लाखों लोगों की रिक्वेस्ट भी आने लगेगी कि ये वीडियो चाहिए, वो वीडियो चाहिए, ये सब चाहिए, तो अभी क्या मैं उसके लिए रेडी हूँ? मैं अपने आप से पूछूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा नो, क्योंकि मेरा जो काम का शेड्यूल है वो रेडी नहीं है। लोगों से डील करना अभी तक मैंने कम्प्लीटली सीखा नहीं है। एक 10 मिलियन वाले यूट्यूबर को जैसा होना चाहिए वैसी मैं अभी नहीं हूँ, मैं उस सिचुएशन में हूँ ही नहीं, तो वो सिचुएशन अभी नहीं होगी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो आप इसे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो सिचुएशन है, उसमें इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो बस यही आज की स्टोरी थी। एक्शंस लेना आई थिंक बहुत एक ब्यूटीफुल स्टेप होता है अपनी विशेज़ के लिए, जो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, विश को भी हमारी जल्दी सक्सेसफुल करता है। ओके, सो आई होप आपका आज का दिन बहुत अच्छा हो और आप बहुत सुंदर मेंटल एक्शंस ले सके अपनी विश के लिए, और फिजिकल एक्शन ले सकते हो तो वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मी। आई एम रियली वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बाय।